तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आपका यूट्यूब चैनल है तो। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आपका यूट्यूब चैनल है एंड आप अपने यूट्यूब चैनल को किसी को आधा देना चाहते हैं, यानी कि आधा आधा काम करना चाहते हैं दो लोग मिल करके, या फिर दोस्तों आप पूरा पूरा ठेका देना चाहते हैं, दोस्तों आपको ये सब चीज़ें यानी कि आधा देना है या फिर ठेका देना है, तो किन कंडीशन पर देना चाहिए, आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कि आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है यदि आप किसी को ठेका देते हैं या फिर किसी को आधा देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ इस वीडियो में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, जो यदि आप किसी को ठेका देते हैं अपने चैनल को या ठेका देना चाहते हैं या फिर आधा आधा देना चाहते हैं, मतलब कि आधा आप काम करेंगे और आधा सामने वाला बंदा काम करेगा, दोस्तों आपको किन कंडीशन पर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट बता दूं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट ये होता है कि मान के चलिए कि आपका यूट्यूब पर एक चैनल है और दोस्तों इस चैनल को आपने मोनेटाइज करवा दी, यानी कि कोई आपका वीडियो है जो कि वायरल हो चुका है और वीडियो वायरल होने के बाद आपके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं या फिर आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों इसके पश्चात आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अब दोस्तों, जो आगे की वीडियो आप डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो उस पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं या फिर आ ही नहीं रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कोई दूसरा काम करूं और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो कोई दूसरा बंदा रन कर ले, ठीक है ना। तो ऐसा दोस्तों आप लोग कर सकते हैं यदि आप लोग को दिमाग में ऐसा आइडिया है या आप किसी को ठेका देना चाहते हैं फिर आधा तक करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है यदि आपके पास टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो सामने वाला बंदा है वो आपके चैनल पर जो है वो आपके चैनल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, यानी कि ज़्यादा महत्व नहीं देगा, तो वो आपके चैनल को महत्व दे, इंपॉर्टेंस दे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपके पास भी टाइम नहीं काम करने के लिए उस यूट्यूब चैनल पर, और दोस्तों जो सामने वाला बंदा है तो उसको भी इंपॉर्टेंस देना है आपके चैनल पर, तभी तो आपका चैनल ग्रो करेगा या तभी तो आप यूट्यूब से अर्निंग कर पाएंगे। यदि आप उस चैनल को, यदि आप अपने चैनल को सामने वाले बंदे को दे देते हैं और मान चलिए कि वो भी बंदा भी काम नहीं करता है, यानी कि यदि आप ऐसे व्यक्ति को अपना चैनल देते हैं तो आपको फिर क्या बेनिफिट होगा। इससे बेहतर तो यही है कि आपका चैनल आपके पास ही रहता, क्योंकि दोस्तों आपके पास रहता तो कोई रिस्क नहीं रहता। रिस्क मान चलिए किसी भी बंदे को आपने अपना चैनल दे दिया रन करने के लिए, ठीक है ना। तो मान चलिए उसने कोई ऐसा कंटेंट डाल दिया, किसी दूसरे का कंटेंट डाल दिया, बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड म्यूजिक, बॉलीवुड मूवीज, कुछ भी दोस्तों डाल दिया उसने, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का कंटेंट डाल दिया जो कि यूट्यूब पर रीयूज अलाउड नहीं है, दोबारा यूज करना अलाउड नहीं है। अब दोस्तों, इसकी वजह से आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है और आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है हमेशा के लिए। तो अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज करवाने के लिए ही कितना मेहनत किया है वो तो आप ही जानेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग पर व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो कितनी मेहनत करके हम लोग जो है मोनेटाइज तक पहुँचते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों, ऐसे में सामने वाले बंदे को आपने अपना यूट्यूब चैनल दिया और उसने टर्मिनेट करवा दिया, डिलीट करवा दिया, तो दोस्तों आपके हाथ से भी गया और उसके हाथ से भी गया और आपको सबसे बड़ा लॉस हुआ। उसका क्या गया, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल को किसी को भी नहीं सौंपना है, किसी के सुपुर्द नहीं करना, ठेका नहीं देना या फिर आधा नहीं देना। आपको कुछ कंडीशन रखनी होगी जो कि दोस्तों उसे यदि सामने वाला बंदा फॉलो करता है तो ही आपको उसे अपने यूट्यूब चैनल को देना है। यदि सामने वाला बंदा उन कंडीशन को नहीं मानता है, नहीं देता है, तो आपको अपने यूट्यूब चैनल को उससे नहीं देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं अब दोस्तों एक मोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्रीमेंट तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आप इस एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं तो एग्रीमेंट तैयार करने के बाद दोस्तों जो आप सामने वाला बंदा है जिससे कि आप अपना चैनल देने वाले हैं, तो आप इस एग्रीमेंट को मानने के बाद, इस एग्रीमेंट में सिग्नेचर करने के बाद जो सामने वाला बंदा है तो वो इस महत्व को समझेगा, आपके चैनल को इम्पोर्टेंस देगा, महत्व देगा और अपना टाइम देगा, ठीक है ना। यदि आप एग्रीमेंट करवा लेते हैं उससे, तो एग्रीमेंट करवाने का उद्देश्य ये नहीं कि आप उसे लूट रहे हैं, एग्रीमेंट करवाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसे लूटना चाहते हैं या फिर आप उसे चीट करके उसे पैसा ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जब आप उसे अपना चैनल देंगे तो उस चैनल पर वो एक्टिव रहेगा, काम करेगा, टाइम टाइम से काम करेगा और मतलब कि उसे इम्पोर्टेंस देगा, आपके चैनल को इम्पोर्टेंस देगा, महत्व देगा, वो समझेगा यार कि मतलब कि फिर उसे एक जिम्मेदारी हो जाएगी यूट्यूब पर काम करने के लिए, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको एग्रीमेंट तैयार करवाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको एक एग्रीमेंट लिखना चाहिए और एग्रीमेंट लिखने के बाद ही उसे ठेका दिया देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पैसा ही चीज़ है जो कि भाई भाई में लड़ाई करवा देती है और दोस्त दोस्त में लड़ाई करवा देती है, ठीक है ना। तो पैसा किसी का जो है सगा नहीं होता, तो इसलिए भविष्य में लड़ाइयों से बचने के लिए मैंने एक एग्रीमेंट तैयार किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ या दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि आपको कैसा एग्रीमेंट तैयार करवाना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जो एग्रीमेंट है तो कुछ इस तरह से है, तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं जो सबसे हेडिंग है, ऊपर लिखी हुई हेडिंग,
तो हेडिंग को इस तरह से लिखा मैंने, यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इसलिए दोस्तों कि आप ठेका दे रहे हैं, तो इसलिए ठेके का एग्रीमेंट। अब दोस्तों सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं अपना, मेरा नाम रामकृष्ण कुशवाहा, एंड आप अपने पिताजी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। पिता का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, केवल अपना नाम ना लिखें, ठीक है ना। तो और YouTube पर मेरे दो YouTube चैनल हैं, पहला आर के टू टेक एंड दूसरा आर के टू स्मार्टफोन। दोस्तों आपके जितने भी YouTube चैनल हैं आप उतने YouTube चैनल को यहाँ पर लिख सकते हैं, केवल मेरे दो चैनल हैं तो मैंने दो चैनल का नाम लिखा है, जिसमें से मैंने एक YouTube चैनल आर के टू टेक स्मार्टफोन को इस व्यक्ति को, यानी कि यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मान के चलिए महेंद्र, और महेंद्र के पिता का नाम बाबूलाल, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप आपको जिसे आप ठेका दे रहे हैं तो उसका नाम और उसके पिताजी का नाम लिखना है, को दिनांक, यानी कि जिस दिनांक को आप दे रहे हैं और इस दिनांक के जितने दिनों तक आप देना चाहते हैं, यानी कि 3 महीने के लिए देना चाहते हैं या 6 महीने के, तो स्टार्टिंग डेट लिखनी है, यानी कि जिस डेट को आप दे रहे हैं एग्रीमेंट ये साइन करवा रहे हैं, तो उस डेट की उस दिन की डेट डालनी है आपको। और दोस्तों जिस दिन ये एग्रीमेंट ख़त्म होगा, यानी कि 3 महीने बाद ख़त्म करना चाहते हैं, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद, तो उस दिन यानी कि लास्ट दिन की डेट यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है ना। तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ठेका दे रहा हूँ दोस्तों, आपको शर्तें इस तरह से कुछ रखनी है ठेके पर। तो मेरे YouTube चैनल में सभी, जैसे कि पहला नियम है, तो मेरे YouTube चैनल में सभी काम जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग आदि ठेकेदार ही करेंगे। और दूसरा जो दूसरा कंडीशन है, इंटरनेट डाटा और वाईफाई ठेकेदार का होगा। और तीसरा है YouTube चैनल की, YouTube की जितनी भी एड्स रेवेन्यू होगी उस रेवेन्यू का 40% हिस्सा मैं लूँगा और बाकी 60% हिस्सा ठेकेदार लेंगे, यानी कि जिसका चैनल है तो वो केवल 40% यानी कि 40% हिस्सा ही लेगा जितनी भी एड्स रेवेन्यू होगी। और यदि आप लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं 45% या 50%, जितना भी आप लेना चाहते हैं तो आप लोग उतना रख सकते हैं और जितना देना चाहते हो उतना रख सकते हैं, ठीक ना। तो वो उसके ऊपर है, यदि आपकी शर्तें उसे मानी, यदि आपकी शर्तें उसे सही लगेंगी, सामने वाले बंदे को सही लगेंगी आपकी कंडीशन, आपकी शर्तें, तो वो साइन करेगा, यानी कि वो इस एग्रीमेंट में साइन करेगा और आपका चैनल ठेके में लेगा। यदि आपके कंडीशन से वो संतुष्ट नहीं है तो वो ठेका नहीं लेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। और जो तीसरा है, ये चौथा नियम है, यानी कि चौथी कंडीशन है, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ठेकेदार मेरे अनुमति के बिना किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे। दोस्तों जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, आपको लिख करके दे देना है और बीच बीच में वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहना है, यानी कि कहीं जो सामने वाला बंदा है तो उसने डिस्क्रिप्शन पर कोई चेंजिंग तो नहीं डाल दी, ठीक ना, कोई चेंजिंग तो नहीं कर दी है। तो दोस्तों यदि आप डिस्क्रिप्शन भी उसके हवाले करना चाहते हैं कि वही लिखे जो कुछ भी उसे लिखना हो, तो आप दे सकते हैं। और ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने एग्रीमेंट में लिखा है, मुझे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो खुद मैं लिखूंगा, ठेकेदार के ऊपर नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है आपको क्या करना है। और जो पांचवा नियम है, तो यदि अकारण ही ठेकेदार यूट्यूब चैनल में नियमित रूप से काम नहीं करते हैं, यानी कि अकारण ही का मतलब है दोस्तों कि यदि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो यूट्यूब पर काम नहीं कर रहा, ठीक ना। तो इसलिए यदि अकारण ही ठेकेदार यूट्यूब चैनल में नियमित रूप से काम नहीं करते हैं, तो ठेकेदार को एक दिन का 50 रुपये के हिसाब से जितने दिन कार्यरत नहीं रहते हैं उतने दिन का जुर्माना जमा करना होगा। अब दोस्तों मैंने एक दिन का 50 रुपये चार्ज लगाया है, और दोस्तों यदि आप कुछ और चार्ज लगाना चाहते हैं, एक दिन का 100 रुपये, 150, 200 रुपये या 10-20 रुपये जितना भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि यदि आप ये जुर्माना लगा देते हैं तो जो सामने वाला बंदा है जिसने कि आपके चैनल को ठेका लिया हुआ है, तो उस आपके चैनल को इम्पोर्टेंस देगा, आपके चैनल को महत्व देगा और वो यूट्यूब पर एक्टिव रहेगा आपके चैनल पर और काम करेगा सही तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए कंडीशन लगाई हुई है। बाकी और जो छठवां नियम है, यदि ठेकेदार मेरी अनुमति के बगैर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए डिसेबल, टर्मिनेट या डिलीट कर दिया जाता है, तो यूट्यूब चैनल डिसेबल, टर्मिनेट, डिलीट होने के ठीक 120 दिनों के अंदर ठेकेदार मुझे, यानी रामकृष्ण कुशवाहा को, नगद 30,000 रुपये अथवा 3,000 की 10 किस्तें प्रतिमाह जुर्माना देंगे। अगर ठेकेदार समय पर जुर्माना की पूरी राशि 30,000 नहीं देते हैं तो 120 दिनों के बाद 1.5% प्रतिमाह की दर से ब्याज देंगे। दोस्तों आप ये जो छठवां रूल है, यानी कि छठवीं कंडीशन है, तो आप अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सातवां ठेकेदार को पैसा तभी मिलेगा जब यूट्यूब के द्वारा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सातवां रूल मैंने इसलिए बनाया है कि मान चलिए कि यूट्यूब पर जो कि यूट्यूब जो वाइट स्टूडियो ऐप है, तो उस पर अर्निंग्स तो हो जाती है, ठीक है। अब आपने ठेकेदार को दिखाया कि इस महीने की जो यूट्यूब अर्निंग इतनी आई है,
अब दोस्तों वो आपके पीछे पड़ा कि मुझे अभी तो इमरजेंसी मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप उसे नहीं देना चाहते। मान के चलिए आपके पास पैसा है लेकिन नहीं देना चाहते आप, और यदि आप देना चाहते हैं राजी से तो अच्छी बात है आप, और मैं तो कहूँगा कि यदि आपके पास पैसे हैं और उसे ज़रूरत है सामने वाले बंदे को तो आप उसे पैसे दे दें, क्योंकि जो यूट्यूब करने आएगी तो वो तो आएगी ही और फिर तो बाद में डिवाइड होना ही है उसे। यदि आपके पास है तो उसका काम चला दें, क्योंकि लड़ाई करना उद्देश्य नहीं है अपना, और सामने वाले बंदे से लड़ाई करके करेंगे काम तो ऐसे में कोई मतलब थोड़ी गिरेगा। वो तो इस एग्रीमेंट को तैयार करने का उद्देश्य ये है कि सामने वाला बंदा आपके चैनल को महत्व दे, ठीक है, बाकी लड़ाई वड़ाई का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रखना है आपको। और जो आठवां नियम है, आवश्यकता अनुसार मैं समझौता में हर 3 महीने में कुछ बदलाव कर सकता हूँ। दोस्तों यदि आप अपने कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं या इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते, कुछ भी करना चाहते हैं दोस्तों, किसी तरह का चेंज करना चाहते हैं, तो हर 3 महीने में इस एग्रीमेंट को आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और चेंज आपको ऐसा करना है ताकि सामने वाले बंदे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, और अपने हिसाब से चेंज करिए, ये आपका चैनल है। और 9वां है, यदि मैं 6 महीने से पहले इस समझौता यानी कि एग्रीमेंट को रद्द करता हूँ तो मैं 6,000 रुपये जुर्माना ठेकेदार को देने को तैयार हूँ। यानी कि इसमें एक ये 9वां नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट है दोस्तों, यदि आप खुद ठेकेदार से 6 महीने के पहले या जितना भी आप टाइम देते हैं स्टार्टिंग में, तो यदि 6 महीने 1 साल से पहले इस एग्रीमेंट को रद्द करते हैं आप, तो दोस्तों ये नियम ठेकेदार के लिए है कि आपसे वो 10,000 रुपये जुर्माना ले सकता है या आपको जुर्माना देना पड़ेगा जितना भी जुर्माना शुरू में तय हुआ है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर जुर्माना कितना देना चाहते हैं उसे सामने वाले बंदे को, या दोस्तों एग्रीमेंट लिखने के समय आपको तैयार करना है, और उस सामने वाले बंदे से कुछ चीज़ें आप पूछ भी सकते हैं कि आपको कैसे एग्रीमेंट की ज़रूरत है, यानी आप कैसे एग्रीमेंट से राजी हैं। और दोस्तों 10वां है, यह समझौता दिनांक इतने से केवल 6 महीने तक ही सीमित या मान रहेगा। दोस्तों जिस दिन एग्रीमेंट लिख रहे हैं आप और जिस दिन एग्रीमेंट को साइन किया है, तो उस दिन से यदि आप 6 महीने तक मान रखना चाहते हैं उसे 6 महीने तक ही मान रखिए। यदि आप इसे 1 साल तक यानी कि 1 वर्ष तक मान रखना चाहते हैं तो इसे 1 वर्ष तक मान रख सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों ये 10 कंडीशन है, और नीचे आपको लिखना है हस्ताक्षर मालिक। दोस्तों ये जो यूट्यूब चैनल का मालिक है, यानी कि यदि आप यूट्यूब चैनल के मालिक हैं तो आपको और इस पर सिग्नेचर करना है। और फिर जो नीचे एक लाइन है कि मैं यानी कि जो बंदा आपका चैनल ठेके में ले रहा है या फिर आधा ले रहा है, तो उस बंदे का नाम और उसके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, और उपरोक्त शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने के बाद समझौता स्वीकार करता हूँ, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको लिखना है, और फिर नीचे उस हस्ताक्षर ठेकेदार की यानी कि जो सामने वाला बंदा है उसका हस्ताक्षर आपको यहाँ करवा लेना है। और इसके दोस्तों ये काम आपको अकेले में नहीं करना है, 3-4 लोग जो कि आपकी बराबरी के हों या घर के बड़े लोग हों तो उनके सामने करवाना है। और इस समझौता के समय उपस्थित कुछ गवाहों के नाम और हस्ताक्षर, मतलब कि जब आप इस एग्रीमेंट को कर रहे हैं तो आपको 3-4 लोगों को और यहाँ पर रखना है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब चैनल छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसे यूट्यूब चैनल में सफलता पाने के लिए। बहुत कड़ी मेहनत के बाद हम लोग जो है यूट्यूब चैनल पर सफल होते हैं, मोनेटाइज तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों सबसे नीचे समझौता दिनांक आपको एक बार फिर से डाल देना है। बस दोस्तों इस तरह से आपको जो है एग्रीमेंट तैयार कर लेना है। और दोस्तों यदि आप लोग इस एग्रीमेंट को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं, फिर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा एग्रीमेंट अभी आपने देखा, तो इस एग्रीमेंट में आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं या आप पूरा चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने तो केवल हिंट दिया है, जैसे कि मैंने अपना एग्रीमेंट तैयार किया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।